राजस्थान की उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीकानेर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही नाल एयरपोर्ट पर विवाद हो गया। भाजपा नेताओं और एयरपोर्ट की टीम के साथ कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट के अंदर जाने का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए और जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान सभी भाजपा नेताओं ने एक स्वर में डिप्टी सीएम से शिकायत की और कहा कि एयरपोर्ट के अधिकारियों के कारण हमें बाहर स्वागत करना पड़ा। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरवा ने कहा कि मैं पहली बार बीकानेर आया हूं और यहां से श्री डूंगरगढ़ में भवन का लोकार्पण करने का मुझे मौका मिला है। बैरवा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी की 10 साल का कार्यकाल में हिंदुस्तान का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। देश की जनता केंद्र सरकार के कामों से खुश है। बैरवा ने कहा कि आगामी चुनावों में हमारी बड़ी जीत होगी और अब की बार 400 पार होंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें हमारे इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान जिस तरह से बढ़ाया और जो ऐतिहासिक कार्य किए जिनकी सोच नहीं सकते थे वो कार्य हुए, तो हिंदुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता बिल्कुल मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी के साथ निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के परिवार की जीत होगी। इस बार दो गठबंधन है, एक तरफ एनडीए दूसरा इंडिया की बात हो रही है। हम दूसरों की बात नहीं करते, हम हमारे परिवार की बात करते हैं। हमारे परिवार को क्या करना है, जो कर रहे हैं निश्चित रूप जनता में विश्वास है माननीय मोदी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से हम 400 पार होंगे। और जयपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजन लाल ने विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम भजन लाल शर्मा ने वर्चुअल लॉन्चिंग की, स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। गोशुराय मंदिर परिक्षेत्र पुनर्विकास कार्यक्रम की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोशुराय मंदिर परिक्षेत्र पुनर्विकास कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई और सीएम भजन लाल ने दी विकास कार्यों की सौगात। और वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर टोंक जिले के दौरे पर है। जयपुर से कवरावास जाते समय टोंक में हाईवे पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से दावेदारी के सवाल को टालते हुए कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड भूमिका तय करता है और वही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को योग्य कदम बताया। कहा देश की एकता और अखंडता के लिए यूसीसी की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विभिन्न धर्मों में बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों का समय समाप्त हो गया है। जैसे देश बदला है वैसे राजस्थान भी बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि और राष्ट्र प्रथम के अनुसार काम करते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत एक बार बुरा लगे, लेकिन हम एक मुखी होकर फिर चुनाव में जाते हैं और मोदी जी को राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है। देखिए, मैं पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और उससे पहले एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी जहाँ जिस भूमिका में जो हमें हमारे लिए तय करती है उसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता सदैव तैयार रहता है। और वही राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस की न्याय यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया राजस्थान में और कहा कि हम मनरेगा लाए जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ, हमने रोजगार का अधिकार दिया था, हम युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं, ये हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं,
ऐसे में राजस्थान में भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो रोजगार पर चर्चा करे, सामाजिक न्याय पर चर्चा करे और बताए कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया था। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1,00,000 रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा। और वहीं अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया है। लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर सर्किट हाउस पहुंचे और भूपेंद्र यादव राजस्थान से दो बार 2012 और 2018 में राज्यसभा भेजे गए। इस बार पहली बार बीजेपी ने उन्हें अलवर से लोकसभा का टिकट देकर के मैदान में उतारा। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास जताकर के अलवर की जनता की सेवा और मोदी की गारंटी पूरी करने का जो मौका दिया है उस पर वो खरा उतरे। मोदी जी के गारंटी को पूरा मैं सारी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करूंगा। आज मैं अलवर आया हूँ, सबके हाथ में स्वागत से भाव विभोर हूँ और मेरे को लगता है कि पार्टी ने न केवल मेरे को टिकट दी है बल्कि मुझे जिम्मेदारी भी दी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मैं लंबे समय से सब लोगों के साथ ही काम कर रहा हूं, इनका भी आशीर्वाद मेरे को है। और वहीं टोंक जिले के निवाई में सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की मनमर्जी से लोग परेशान हैं। एसडीएम कार्यालय में 11 बजे तक ताले भी नहीं खुलते हैं। ऐसे में अपने काम को लेकर के आने वाले फरियादियों को कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। ये हालात तब हैं जब सरकार अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त है। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुकी है लेकिन सरकारी कार्मिक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों के बाद 4 फरवरी की तबादला सूची में नवनियुक्त एसडीएम सुरेश कुमार को निवाई लगाया और ज्वाइन करने को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। अब मैं तो एक इवेंट कराया था, उनमें एसटी लगी है, उसमें परेशानी है, उसको काम ये नहीं है। अभी तक बार बार घूमते हैं गांव, बार बार रहते हैं, चक्कर देते हैं, कोई कर्मचारी है नहीं। मैं तो आया हुआ, कोई कर्मचारी मिले नहीं, आज जमीन के मामले में आई। मैं यहाँ को नकल लगाई थी तीन चार दिन पहले नकल उपखंड कार्यालय में, लेकिन जब मैं 11 बजे यहाँ आया तो अभी भी उसके लोग लगा हुआ है। कर्मचारी कहाँ नजारत है ये पता नहीं है और ना कोई सूचना है उनके बारे में। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।